तो दोस्तों मैं बस आपका बहुत बहुत स्वागत है डम्मा सेकंड एपिसोड में, और लेके आया हूँ आपके लिए कमाल की एप्लीकेशन। यार एप्लीकेशन मैंने बड़ी अच्छी से ढूंढी है, और यार एक मुझे बिलीव है कि आपको भी एप्लीकेशन अच्छी लगने वाली है। गाइस इस ऐप का नाम है मूवीज नैववार म्यूजिक विजुअलाइजर। गाइस एक विजुअलाइजर ऐप है जो आपकी होम स्क्रीन को एकदम मतलब गजब ही कर देगा आपकी होम स्क्रीन पर। तो जस्ट इसको इंस्टॉल कर लीजिए ऐप, जो 6 MB का ऐप है, पर जो ऐप्स के फीचर है गाइस वो काफ़ी फायदेमंद है। मेरे से भी लोग तो काफ़ी अच्छे जो डेली बेसिस पे म्यूजिक सुनते हैं और उनको काफ़ी एनिमेशन जो हैं अच्छे लगते हैं। इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन करिए गाइस ऐप को, और ऐप ओपन होने के बाद आपसे कुछ देनी पड़ेंगे इसको परमिशंस आई गेस। तो यहाँ पर जो है ये परमिशन मांग रहे हैं, ऑफ कोर्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये रिकॉर्ड ऑडियो की परमिशन मांग रहे हैं, तो यहाँ से मैंने अलाउ कर दिया परमिशन। इसके अलावा ये मांग रहे हैं नोटिफिकेशन एसएस की परमिशन, तो यहाँ से मैं नोटिफिकेशन एसएस को भी ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, और जैसे कि आप जैसे देख रहे हैं कुछ EDM टाइप का जो है वो एक म्यूजिक बार टाइप ओपन हो चुका है गाइस। तो फिलहाल के लिए ये आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कि आपको जो अपना विजुलाइजर स्टेटस बार पे चाहिए यानी ये ऊपर, या फिर आपको चाहिए अबव नेव बार जो आपके नीचे टॉगल कीज़ है इनके ऊपर, या फिर अंडर नेव बार जो टॉगल कीज़ है उनके नीचे। तो मेरे केस में यार मैं ना सिलेक्ट कर लेता हूँ अबव नोग बार, और इसके बाद यहाँ पे आप देखिए काफ़ी सारे आपको जो है ऑप्शन यानी थीम्स दिखाई देने के देख रहे होंगे आप। तो देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त एकदम मतलब फाड़ू टाइप की थीम्स दी हुई है यहाँ पर। तो यार जस्ट ट्राई सिंपल वाली ट्राई करते हैं, ये वाली ट्राई कर लेते हैं, इसको परमिशन अलाउ कर देते हैं सिंपल। और इसके बाद हम देखिए कुछ ऐसा जो है दिखने वाली है मेरी होम स्क्रीन, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, बस बाहर से अच्छी लग रही थी, कोई और ट्राई करते हैं। हाँ ये बेटर है। तो जैसे हम इसको ट्राई करते हैं यहाँ पर आप कस्टमाइज पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद इसके अंदर और भी आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। या तो आप चाहें कुछ इस तरह बबल्स वगैरह भी ला सकते हैं इसके अंदर, या फिर आप इसे कुछ वेव्स टाइप भी इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर, कलर वेरिएशन दे सकते हैं। सपोज़ अगर मैं कलर इसका ऑरेंज कलर से कुछ इस तरह के सारे चीज कर पाएंगे। ये सब करने के बाद जैसे आपको हमें टिक पर क्लिक करना है, और जब भी आपको न्यू सॉन्ग चलाएंगे आप गुड टू गो हो जाएंगे गाइस। तो चलिए मैं कोई म्यूजिक प्ले करता हूँ। कोई म्यूजिक प्ले करने के लिए मैं जाता हूँ अपने म्यूजिक ऐप पर, और यहाँ पर यो यो तो देखो मुझे आपने कुछ इस तरह ऐप वर्क करता है। और फिलहाल ये जो था नीचे आ रहा था ओवर द स्टेटस टॉगल कीज़ पर, तो कुछ इस तरह आपने देख लिया होगा किस तरह ये ऐप वर्क करता है। तो अगर हम चाहें तो इसका प्रो वर्जन परचेज कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये का है, पर इसमें वो नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा गाइस। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास हमें काफ़ी सारे रैंडम मोड वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो विजुलाइज़र भी है, कस्टम विजुलाइज़र यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप अपने फ्रेम रेट को हाई लो कर सकते हैं, अपने ऑडियो रिस्पॉन्स को हाई रेट कर सकते हैं, मतलब जल्दी जल्दी वो चलेगा जैसे हम नीचे देख पा रहे हैं। तो इतना फास्ट भी इतना सही है अपन को, और हाइट में तो अपन को हाइट चाहिए भाई। तो डन करते हैं, और यहाँ से वह दोबारा प्ले करके देखते हैं म्यूज़िक। चलिए अगर हम इसको जो है इसकी साइज चेंज करके देखते हैं, तो हम सेटिंग्स में जाते हैं एक बार। इसका जो है हम ऑप्शन है इसका सेंटर अलाइन फ्रीक्वेंसी को ऑफ कर देते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कस्टमाइज विजुलाइजर रैंडम मोड पर भी क्लिक, विजुलाइज पोजीशन में जाकर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ऑन स्टेटस बार। ऑन स्टेटस बार पर आप देखें ऊपर की नीचे नाचेगा ग्रेविटी फॉल्स टाइप का कुछ। तो चलिए ये वाले भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 गो। तो गाइस आपने देखा है कुछ इस तरह ये ऐप जो है वर्क करता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो यार जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाओ वहाँ पे डाउनलोड कर लो ऐप को, जो बिल्कुल 6 MB का ऐप है और एक यूजफुल ऐप है। 4.3 की रेटिंग पर ऐप चल रहा है, तो जाओ इसको डाउनलोड कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।